वेणुगोपाल जी, सोलांकी जी, तारिक कर्रा जी, गुलाम अहमद मीर जी, विकार रसूल जी, रमन भल्ला जी, ताराचंद जी, चौधरी लाल सिंह जी, कांग्रेस के हमारे सारे नेता, प्यारे कार्यकर्ता, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। चार स्टेट्स के चुनाव हैं और कुछ दिन पहले खारगे जी और मेरी बात चल रही थी चुनाव के बारे में, तो हमने मिलकर डिसीजन लिया कि हम दोनों को सबसे पहले जम्मू कश्मीर जाना चाहिए। चुनाव के कारण, सिर्फ चुनाव के कारण नहीं, मगर क्योंकि हम जम्मू कश्मीर के लोगों को और देश के लोगों को एक मैसेज देना चाहते हैं। देखिए, आजादी के बाद पहली बार किसी स्टेट को यूनियन टेरिटरी बनाया गया है, मतलब हिंदुस्तान में स्टेट्स को डिवाइड कर दिया गया, उत्तराखंड बना, झारखंड बना, तेलंगाना बना, यूनियन टेरिटरीज को स्टेट में बदल दिया, मगर कभी भी स्टेट से यूनियन टेरिटरी नहीं बनी। मतलब हिंदुस्तान की हिस्ट्री में रिप्रेजेंटेशन का बढ़ावा ही हुआ है, ज्यादा रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। झारखंड के लोगों को रिप्रेजेंटेशन दिया गया, तेलंगाना के लोगों को रिप्रेजेंटेशन दिया गया, मगर एक ही उदाहरण है जहां लोगों से रिप्रेजेंटेशन छीना गया, वो है जम्मू कश्मीर। हिस्ट्री में यह पहली बार हुआ है और इसका नतीजा आपने देखा है। एडमिनिस्ट्रेटर कहते हैं, मगर सचमुच में उनको महाराजा कहना चाहिए, एम्परर कहना चाहिए, किंग कहना चाहिए। और पूरा का पूरा जो फायदा हो रहा है वो जम्मू के लोगों का नहीं हो रहा है, कश्मीर के लोगों का नहीं हो रहा है, बाहर के लोगों का हो रहा है। चाहे छोटे, मैं स्टेट का नाम नहीं लूंगा, चाहे छोटे कॉन्ट्रैक्ट्स हों, बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स हों, सरकार में पोजीशंस हों, आप लोगों को कोई फायदा नहीं हो रहा है, आप लोगों को सिर्फ नुकसान हो रहा है। इसलिए हम चाहते थे कि चुनाव से पहले आपका स्टेटहुड आपको वापस दिया जाए। अब ठीक है, इन्होंने चुनाव पहले कर दिया, मगर हम अभी भी चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी आपके स्टेट की लगाम आपके हाथ में वापस दी जाए। मतलब आपको स्टेटहुड एक बार फिर से मिले। आपके बीच में, मेरे बीच में आप रिश्ता जानते हो, ये राजनीतिक रिश्ता नहीं है, जैसे मैंने कहा मोहब्बत का रिश्ता है, पारिवारिक रिश्ता है। मेरा परिवार आपके स्टेट से ही आता है, तो आपको ये सोच के चलना है कि दिल्ली में आपका सिपाही मैं हूं, जो भी आप चाहेंगे मेरे दरवाजे आपके लिए खुले हैं, आपको सिर्फ ऑर्डर देना है और मैं यहां हाजिर हो जाऊंगा। देखिए, शायद रमन भल्ला जी ने कहा, ठहर जाइए मैडम, खत्म करने दीजिए,
अभी नहीं मैडम, बाद में कर लेना, डिस्टर्ब मत कीजिए। रमन भल्ला जी ने कहा, उन्होंने कहा कि देखिए मैं कांग्रेस पार्टी का सिपाही हूं। रमन भल्ला जी आप सिपाही नहीं हैं, आप कांग्रेस पार्टी के जनरल हैं, और आप जैसे अलग अलग जनरल खड़े हुए हैं यहां पे, सिपाही तो ये है कार्यकर्ता। और मैं चाहता हूं कि जनरल की भी रिस्पेक्ट हो और सिपाही की भी रिस्पेक्ट हो। गठबंधन हो रहा है, मैं चाहता हूं कि जो भी गठबंधन हो उससे हमारे कार्यकर्ताओं को, सिपाहियों को और हमारे कमांडर्स को रिस्पेक्ट मिले, इज्जत मिले। आप लोग हमारे लड़ते हो और यह विचारधारा की लड़ाई है, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा और आरएसएस की विचारधारा के बीच में लड़ाई है। आपने देखा होगा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री यूं भाषण देते थे, देखा आपने? मैं आपको बता रहा हूं, आप गलत फहमी में मत हो। कांग्रेस पार्टी के एक कार्यकर्ता ने, मैं बता रहा हूं आपको, कांग्रेस पार्टी के एक कार्यकर्ता ने हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री से कॉन्स्टिट्यूशन पर ऐसे ये करवा दिया। ये आपकी देन है, आपका काम है। और मैं तो पार्लियामेंट में बैठता हूं, मुझे तो बिल्कुल सामने दिखते हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि आपने हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की जो कॉन्फिडेंस थी उसको खत्म कर दिया, उड़ा दिया। मतलब कांग्रेस के कार्यकर्ता ने उनको इतना साइकोलॉजिकल टेंशन दिया कि उनकी साइकोलॉजी कोलैप्स कर गई। और वो जो प्रधानमंत्री थे, सच्चाई है, पूरा देश देख पा रहा है, जो चुनाव से पहले प्रधानमंत्री थे, जिनका डायरेक्ट कनेक्शन जिनका ऊपर था, वो प्रधानमंत्री नहीं रहे। और ये आप लोगों का काम है। क्यों? क्योंकि कठिनाई के समय, जब कठिनाई थी, जब आपकी विचारधारा पर आक्रमण हो रहा था, तो आप लोग कांग्रेस पार्टी का झंडा लिए घूम रहे थे। ये सच्चाई है। बहुत सारे लोग झंडा फेंक कर भाग गए, आप नहीं गए, आप खड़े रहे, आपने लाठी खाई, गोली खाई, गाली खाई, मगर आप एक इंच पीछे नहीं हटे। इसलिए मैं आपको कांग्रेस पार्टी के बब्बर शेर कहता हूं। और मैं चाहता हूं कि ठीक है, चुनाव में टिकट बांटे जाते हैं, बड़े बड़े नेताओं को टिकट बांटे जाते हैं, मगर मैं ये भी चाहता हूं कि हमारे कार्यकर्ताओं को भी एमएलए बनने का मौका मिले। तो कर्रा साहब, वेणुगोपाल जी, मीर साहब, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मैं उदाहरण देखना चाहता हूं जहां जमीनी कार्यकर्ताओं को एमएलए का टिकट दिया गया और वो विधानसभा तक पहुंचा। पूरे देश में बीजेपी के विचारधारा ने बेरोजगारी फैला दी है, आपको फर्स्ट हैंड दिख रहा है। जम्मू में भी बेरोजगारी फैलती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है। पूरे देश में हम इनसे लड़ रहे हैं। जहां भी आप नोटिस कीजिए, चुनाव के बाद जहां भी ये कोई बदमाशी करने की कोशिश करते हैं, जहां भी बदमाशी करने की कोशिश करते हैं, हम उनको वहां सामने खड़े मिलते हैं।
ये लैटरल एंट्री का किया ना इन्होंने, अदानी जी की मदद करने की कोशिश की ना, वहां पे हम खड़े हो गए, उसको कैंसिल कर दिया। तो हम इनको छोड़ने वाले नहीं है। अगर इन्होंने थोड़ी सी भी बदमाशी की, कांग्रेस पार्टी के सारे कार्यकर्ता इनके सामने खड़े दिखाई देंगे। और जो बिल, गलत बिल एक पास करने की कोशिश करेंगे, उस बिल को हम रद्द करवा देंगे। हम ऑपोजिशन में बैठे हैं, मगर सरकार को कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता चलाएगा। आप सबका अच्छा देखिए, एक और लड़ाई है, जम्मू का कल्चर है, जम्मू की हिस्ट्री है। यहां माता वैष्णो देवी की ये जमीन है। आपका जीने का तरीका है, आपका सोचने का तरीका है, वो अलग है। जम्मू का अलग है, केरल का अलग है, कर्नाटक का अलग है, उत्तर प्रदेश का अलग है। हम चाहते हैं कि हर जगह का कल्चर, उनके उनकी हिस्ट्री, उनकी भाषा, इन चीजों की रक्षा हो। हम चाहते हैं कि आपकी आवाज, आपकी आवाज आपकी सरकार में हो, और जो आप चाहते हैं जम्मू कश्मीर के लिए, जो आप चाहते हैं, जो आपके दिल में है, वो हो। अब बीजेपी की दूसरी सोच है, वो पूरे देश को नागपुर से चलाना चाहते हैं। वो सोचते हैं कि रिमोट कंट्रोल से पूरा देश चले, चाहे जम्मू कश्मीर हो, चाहे महाराष्ट्र हो। भैया ये जो आप शिकायत दे रहे हो ना कि बाहर के लोग पूरा का पूरा फायदा उठा रहे हैं, आप महाराष्ट्र जाइए, वहां पूछिए, वो भी आपको यही कहेंगे कि भैया महाराष्ट्र में भी बाहर के लोग फायदा उठा रहे हैं। तो ये सिर्फ आपके यहां नहीं हो रहा है, ये इनकी सोच है, सेंट्रलाइज करने की सोच है। हमारी सोच डिसेंट्रलाइज करने की है। हम चाहते हैं कि पंचायती राज हो, मनरेगा हो, पंचायतों में आपके डिसीजन लिए जाएं, विधानसभा में आपके डिसीजन लिए जाएं, लोकसभा में आपकी आवाज पहुंचे। कभी कभी हमारी पार्टी में प्रॉब्लम हो जाती है, मैं खुल के बोल रहा हूं, कभी कभी कॉन्ट्रडिक्शन हो जाता है। कोई हमारा आदमी कहता है नहीं भाई मैं तो महाराष्ट्र की बात करूंगा, और पार्टी में टेंशन होती है, हम कहते हैं नहीं तुम बोलो, तुम्हें करना है, तुम खुल के बोलो, तुम्हें अपना मुद्दा उठाना है, हम मैनेज करेंगे। तो हम किसी की आवाज दबाने की कोशिश नहीं करते हैं। और मीडिया में हमारा नुकसान भी होता है, कभी कभी लोग कहते हैं देखिए कांग्रेस पार्टी में अलग अलग विचारधाराएं हैं। अलग अलग विचारधारा हैं, क्योंकि हम पूरे देश को चलाते हैं, और हम चाहते हैं कि देश के लोगों की आवाज, अलग अलग आवाज, अलग अलग भाषाएं, अलग अलग जात, ये सब सुनाई दे। तो मैं ये आपके आपसे कहना चाहता हूं, हम स्टेटहुड चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो आपके दिल में है, जिस प्रकार से आप अपने स्टेट को चलाना चाहते हो, उसी प्रकार से आप चलाओ। इसलिए हम ये मैसेज देने आए, दिल से आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। आपने कमाल कर दिया, मैं आपको बता रहा हूं, आप कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, शायद आप भी नहीं समझ सकते कि आपने किया क्या। मैं यहां से देख रहा हूं, और मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता ने हिंदुस्तान के लोकतंत्र को बचाया है, डेमोक्रेसी को बचाया है। अभी एक दो और कदम लेने हैं, वो आप ले लोगे, मगर आपने इस चुनाव में कॉन्स्टिट्यूशन को और हिंदुस्तान के लोकतंत्र को बचाया है। इसके लिए मैं आप सबको दिल से बधाई देना चाहता हूं। धन्यवाद, जय हिंद, नमस्कार। इससे पहले कि हम प्रोग्राम आगे बढ़ाएं, जम्मू की तरफ से हमारे रमन बल्ला जी,
राहुल जी को मोमेंटो पेश करना चाहते हैं श्री राहुल। आखिर में हिंदुस्तान के सबसे तजुर्बेकार लीडर, इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदर और हमारी रहनुमाई करने वाले, मार्गदर्शन करने वाले हमारे कायद श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी से मैं गुजारिश करूंगा कि वो माइक पे आके अपने ख्यालात का इजहार। सो बैठिए बैठिए प्लीज। इस मंच पर पधारे हुए हमारे लोकसभा के ऑपोजिशन लीडर, हमारे सबके चाहते श्री राहुल गांधी जी, वेणुगोपाल जी, तारिक अहमद कर्रा जी, गुलाम हमीद मीर जी, तारा चंद जी, रमन भल्ला जी, विकार रसूल जी, लाल सिंह जी, मनोज यादव, नीरज कुंदन और मूल राम जी, बलवंत सिंह जी, और इस मंच पे माफ करना कि समय की कमी के वजह से मैं सबका नाम नहीं ले सकता, मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन मंच पर बैठे हुए सभी नेतागणों का। भाइयों, ये जो आने वाला चुनाव है ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, क्योंकि ये आपके अस्तित्व का चुनाव है। अगर इसमें आप जीते आप स्टेटहुड पाएंगे, अगर आप इसमें जीते काउंसिल फिर से आएगा वापस, अगर आप इसमें जीते तो जिला पंचायत म्युनिसिपैलिटी सबके चुनाव हो जाएंगे, नहीं तो आज मोदी जो डिक्टेटरशिप के साथ चला रहे हैं, बहुत घमंडी के साथ हर चीज जो कर रहे हैं, वो नहीं चलेगा अगर आप इस चुनाव में जीते तो इसलिए ये आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। राहुल जी ने कहा कि आप लोग हमारे लिए काम कर रहे हैं, मेरा जरा अलग है कहने का, अरे हम लोग आपके लिए कर रहे हैं, राहुल जी आपके लिए कर रहे हैं, सोनिया जी आपके लिए कर रहे हैं, प्रियंका जी आपके लिए कर रहे हैं, क्या वो चुनाव को यहां ठहरने वाले, क्या मैं ठहरने वाला, क्या सोनिया जी आके ठहरेंगे, आपके लिए इसलिए कर रहे हैं कि इस देश में जमहूरियत को बचाने के लिए, आपके लिए हम कर रहे हैं कि यहां के जो लोकतंत्र के जितने भी बॉडीज हैं वो कायम रहे, ये नहीं भूलना चाहिए, किसी के ऊपर कोई उपकार नहीं कर रहा, हम और आप मिलके इस देश को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए
हम काम कर रहे हैं, तो ये आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है। और मोदी जी के कमांड को आपने तोड़ दिया। हो सकता है हमारा यहां पर सीटें नहीं आई होंगी पार्लियामेंट में, लेकिन भारत के गठबंधन का, इंडिया गठबंधन का इतने सीट आ गए, अगर आप सब मिलके जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, हिमाचल, सिर्फ हमको पांच पांच सीट अगर दे देते, 25 सीट अगर आते, तो हमारे नेता राहुल गांधी इस देश के प्रधानमंत्री बनते। इसीलिए हमको काम करना होगा, और काम करने के, अरे जरा बैठो, क्यों नहीं तो बाहर जाओ। ये बनाने का तरीका ऐसा होता है, जीतना सिर्फ मुंह से नहीं होता। अगर मुंह से सभी बोलते गए तो कुछ होने वाला नहीं है। मेरे को किसी ने एक बात सुनाई थी कि एक मंदिर के पास और मस्जिद के पास दो लोग बैठते थे, और वहां ठहर ठहर के शुक्रवार के दिन बोलते थे कि अल्लाह के नाम से चंदा दो, अल्लाह के नाम से पैसे दो, अल्लाह के नाम से। तो लोग एक बार, दो बार, तीन बार दिए, फिर बाद में छोड़ दो भाई, रोज ये लोग अल्लाह के नाम के पूछ रहे हैं। तो जो भी लोग मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते थे वो फिर बाद में वैसा ही जाने लगे, मंदिर के पास जाके ठहरते थे, भगवान के नाम से दान करो, भगवान के नाम से दान करो, वो दोनों ऐसा ही बोलते फिरे, कोई पैसे उनको नहीं देते। तब तंग आके उन्होंने क्या किया, भाई लोग हमारे तरफ देख रहे नहीं, क्या बात है, किनको उनका ध्यान आकर्षण कैसा करना, तो क्या करे कि दोनों एक पैर पे ठहरे, एक पैर पे ठहर कर पुकारने लगे, अल्लाह के नाम पे पैसे दो, अल्लाह के नाम पे। पुकारने के बाद, बहुत देर पुकारने के बाद उनको चक्कर आ गई। आते ही बाजू में एक मोरी थी, तो उस मोरी में दोनों गिर गए और दोनों के पैर टूट गए। टूटने के बाद लोग बोल रहे, अरे अरे अरे, गरीब आदमी दोनों पाप बिचारे यहां पर ठहर के ये भिक्षा मांगते थे, ये उठाओ बोल के वो सब लोग उठाकर कोई रिक्शा में बिठाया, कोई पानी लाया, कोई कुछ दिया, कोई बिस्किट दिया, कोई दूध दिया, देकर उनको हॉस्पिटल लेके गया। हॉस्पिटल जाने के बाद वो सब लोग पूछे, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? तब उन दोनों ने बोला, साहब अब ठीक है, अल्लाह देता भी है तो टांग तोड़ के देता है। तो हम दोनों के टांग दुखने के बाद सब लोग हमारे तरफ आ गए, ऐसा वो लोगों ने बोला। तो हर चीज को, हाँ कर साहब का भी वैसा हुआ, तुमने हाथ तोड़ दिया, उनको मिल गया। तो मैं कहने का उद्देश्य है कि मेहनत करे तो कुछ मिलता है। दुआई मांगने से बच्चे पैदा नहीं होते, होते हा? मेरा कहना नहीं, संत तुकाराम कहते हैं, नमसे पुत्र कन्या होती तर पति लागने का ही कारण। अगर दुआई मांगने से, मंदिर को चक्कर मारने से, रोज जाके 24 घंटे नमाज पढ़ने से ही अगर बच्चे होते तो देश में, दुनिया में कोई शादी ही नहीं कर लेता था। हर महिला मंदिर को 100 चक्कर लगाती थी, मर्द भी 200 चक्कर लगा देता, बच्चे हो जाते थे। नहीं, वैसा नहीं। जो नेचर की देन है,
उस नेचर के देन के अनुसार ही काम होता है। इसीलिए हमको काम करे तो ही कुछ मिलने वाला है, काम अगर नहीं करेंगे 100 बार आप तालियां भी बजाएंगे, 100 बार हमारी तारीफ भी करेंगे, कुछ होने वाला नहीं। और आज जो हमारे बीजेपी के प्राइम मिनिस्टर है मोदी, पाप बेचारा अपने आप को खुद बोलता है चाय वाला, मैं नहीं बोला, आप तो सुने होंगे ना, मैं चाय वाले का बेटा हूं, मैं फलाना हूं, मेरा बाप ऐसा था, मेरी माँ ऐसी थी, फला, ये कहानी सब उन्होंने ही बताया। और कभी कभी ये भी बोलता है, मैं जब खेलता था, मैं हॉकी भी खेलता था, क्रिकेट, क्या क्या की बोलता है। अरे ऐसा आदमी, फिर कभी घमंडी बात भी करता है। अब मैं बोला, तुम तो चाय बेचने वाले हो, मैं तो एक वर्कर का बेटा हूं, मजदूर का बेटा हूं, तुमसे भी अच्छा काम कर सकता हूं। और चाय बेचने वाला आदमी ये भूल गया कि इस देश में गरीब रहते हैं, इस देश में उन लोगों को एक दिन का खाना भी नहीं मिलता, ये कभी उन्होंने नहीं सोचा। लेकिन कांग्रेस ने, सोनिया गांधी जी ने सोच के आपको जो फूड सिक्योरिटी एक्ट दिया और जो फ्री में आज अनाज मिल रहा है, वो किसकी देन है? कांग्रेस की। मनरेगा किसकी देन है? फ्री एजुकेशन किसकी देन है? अरे तुम्हारे पास यार, मैं आया था वैष्णव देवी से, उधर क्या पीर पंजाल बोलते हैं, क्या चिनार बोलते हैं, वहां पर जो टनल ओपन करने के लिए मैं, हाँ हाँ बना, यस बनियाल, अरे बनियाल करेक्ट, अब उन्होंने करेक्ट है, हम सोनिया गांधी जी, हम मनमोहन सिंह जी, और उसमें फिर यहाँ के उस वक्त के आपके नेता, अब नहीं, तो वो थे सभी लोग, हम इनॉग्रेट करके ट्रेन चलाने के लिए हमने पूरी कोशिश की। और इलेक्शन आया, हम वो ट्रेन नहीं चला सके, लेकिन जो टनल में बनाने का था वो हमने ट्रेन छोड़ दिया। लेकिन मोदी बोलता है, देखो वैष्णो देवी से पीर पंजाल तक जो चला ट्रेन, वो मेरी वजह से चला। अरे और बहुत से तुम्हारे पास जम्मू में यूनिवर्सिटी होगी, कश्मीर में होगी, तो वो यूनिवर्सिटी कभी देखा नहीं, फिर भी बोलता है कि मेरी जमाने में ये यूनिवर्सिटी बनी। ऐसा आदमी है। इसीलिए मैं एक ही शेर बोलता हूं, कभी घमंड मत करना, कभी घमंड मत करना, तकदीर बदलती रहती है, तकदीर बदलती रहती है, शीशा वही रहता है, बस तस्वीर बदलते रहती है। अरे तुम्हारी, अब तुम्हारी तकदीर बदली है, जनता का काम करो भाई, यहां का सरकार निकाले, यहां की आज नुमाइंदगी नहीं है, ना राज्यसभा, ना पार्लियामेंट, ना असेंबली, ना काउंसिल, ना जिला पंचायत, ना म्युनिसिपैलिटी में है। किसने किया ये सब? अरे खुद जम्मू कश्मीर का सत्यानाश करके आज ये कहता है, मेरी 56 इंच की छाती है, मैं सब लोगों को एक ही आदमी बस से, मोदी सब पे भारी है, उन्होंने ही बोला। लेकिन आपने अच्छा सबक सिखाया, राहुल गांधी जी की जो यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक चली और उधर मणिपुर से लेकर बंबई तक चली, तो उनकी हवा उतरी ये हमारे 2024 के चुनाव में। अब उसकी मेजॉरिटी नहीं है, फिर भी पाप बेचारा पुकारते फिरते रहता है, मेजॉरिटी नहीं थी,
जैसा हमारे को 208 सीट आए थे, यूपीए गवर्नमेंट बनी थी, उससे ज्यादा उसको आज एक 15-20 सीट ज्यादा मिले, लेकिन इसके ऊपर भी घमंड करता है। तीसरी बार मैं आया, अरे भाई हमारे पास राजीव गांधी ने 415 सीट लेके आने के बावजूद कभी घमंड नहीं किया, कभी किसी के साथ बर्ताव जो करना था, अच्छा व्यवहार करना था वो करते आए, सबको सम्मान देते थे, सबके साथ रहते थे। ये है राजीव गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू देश को बचाने वाले, इंदिरा गांधी गरीबों के साथ रहने वाले, ये काम हमने किया। ये ऐसा है, इन्होंने तो हमेशा अपनी बात बताते हैं। परसों कभी 2023 में कभी शाह आए थे, सुना मैं, अपने जम्मू कश्मीर की तरफ, और उन्होंने कहा आप लोगों को जल्द से जल्द स्टेटहुड मिलेगा। दिया? कितना देर लगता उसको? अरे आपको डिसॉल्व करने में टाइम नहीं लगा, जैसा कि राहुल जी बोले, बहुत से स्टेट यूनियन टेरिटरी से राज्य बने, स्टेट बने, और स्टेट में बंटवारा होके फिर स्टेट बने, उनका नाम पूरा उन्होंने बताया। अरे आपको इतना नहीं करने आता, बिफोर इलेक्शन आप जो वायदा किए थे, फिर आपने क्यों नहीं किया स्टेटहुड डिक्लेयर? क्योंकि आपकी मंशा ये थी कि ये सुंदर कश्मीर जो है, जो लोग कहते हैं कि इस पृथ्वी पे एक जन्नत है, और ऐसे जन्नत को वो कायम कर लेके बैठना चाहते हैं। अपनी हुकूमत कहां तक चलती, चलने दो, और यहां का गवर्नर तो बादशाह बना, और जो कहता है वो होना, टेंडर नहीं होना, जिसको जहां कहेगा वो करना ही पड़ेगा। अरे ये क्या डिक्टेटरशिप? और इसके पहले जो एक गवर्नर थे, उन्होंने खुद कहा वहां क्या है, रूल ऑफ लॉ नहीं चलता, जो ऊपर से दिल्ली से आता है वही करना पड़ता है। मैंने कहा यहां के जो पूर्व गवर्नर थे, क्या नाम उनका, सतपाल मलिक, उनका कहना है, मेरा नहीं। तो ये खुद उनके लोग ही कह रहे हैं, तो भी फिर मोदी जी और शाह वही घमंड में है, अबे गया तुम्हारा, तुम अब ज्यादा दिन टिकने वाले नहीं है, हम इतना बड़ा तूफान लेके आ रहे हैं उसमें आप लोग खत्म हो जाएंगे, रहेंगे नहीं, बचेंगे नहीं। फिर पूछना पड़ता है कि भाई उस तूफान में जो गिर जाते, एक ढूंढो भाई मोदी साहब कहाँ हैं, शाह साहब कहाँ हैं, जरा ढूंढो ढूंढो, बोलना पड़ता है। जब तूफान आती तो ऐसा ही होता है, जब भूकंप आता है तो ऐसा ही होता है, ढूंढना पड़ता है। तो भूकंप आएगा और वैसा ही तूफान आएगा, ये लोग खत्म हो जाएंगे। तो इसलिए मैं आपसे यही बात करूंगा, और वहां पर मैं एक बात कही थी कि तो हमारे बीजेपी के लोग ये ना समझे कि हम कायम है, सबको सता रहे, गरीब को सता रहे, और आज शेड्यूल कास्ट के वोट छीनने के लिए, शेड्यूल कास्ट के बच्चों को तंग और तबाह कर रहे हैं, और उसी तरह उन बच्चों को जो पढ़े लिखे बच्चे थे उनको जो नौकरियां मिलते थे वो नौकरियां खत्म करने के लिए उन्होंने लैटरल एंट्री शुरू करी। क्या आप यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से अगर बुलाए तक उसमें होशियार लोग नहीं मिलते हैं? आज तक जितने भी आईएएस आईपीएस बने, आईआरएस बने, क्या वो सब बेवकूफ थे?
तुम्हारे पास ही होशियार लोग हैं आरएसएस और बीजेपी में, और ये काम जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, इसकी आवाज राहुल गांधी जी ने उठाई और बाद में सब बाकी के लोग भी उसको शुरू किए, तो फौरन वो समझ लिए ये कहां एक बहुत बड़ा दंगा होगा, इसीलिए जल्दी वापिस लो बोल के रातों रात वापिस लिए। और वक्फ बोर्ड की एक अमेंडमेंट बिल, उसको भी जब पूरे लोग अपोज करे तब वो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेजा गया। ऐसा ही अगर हमारे पास ताकत है वो लोग डरते हैं, अगर हमारे पास ताकत नहीं है कोई आपको डरेगा नहीं, आपको नहीं डरेगा, आपके शक्ति के ऊपर लोग आपको इज्जत देते हैं, नहीं तो ऐसा ठहर के भीख मांगे तो कोई देने वाला नहीं, लड़ना पड़ता है, लड़ने के लिए आपके पास कुव्वत होना चाहिए। और खास करके हमको स्वाभिमान से लड़ना है, ये नहीं उन्हें ऐसा बोला इन्हें ऐसा बोलो, छोड़ दो, मुल्क के लिए जब आप काम करते हो एक होके करो और पार्टी के लिए भी एक होके करो। बस मैं ये कश्मीर में भी कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस के पहले हमारे कार्यकर्ताओं के मीटिंग में, फिर एक बार आपके सामने दोहराता हूँ, क्योंकि ये जम्मू के लोगों को भी मालूम होने दो, क्योंकि आप सभी लोग लड़ने वाले हैं और यहाँ के लोग फौजी में कितने भर्ती होते हैं कहीं और नहीं होते, डोगरा रेजिमेंट है लेकिन इन्होंने लाया अग्निवीर। अरे अग्निवीर कहाँ, डोगरा रेजिमेंट कहाँ, अग्निवीर वो भी स्टाइफंड के जैसा, उनको पूरा ट्रेनिंग नहीं होती, उनको पूरा कुछ मालूम नहीं, उनको पगार नहीं, रिटायर होने के बाद पेंशन नहीं, वो घर को सीधा चले जाना अग्निवीर। अरे अगर वो मिलिट्री में भर्ती होते उनको अगर रिक्रूट करके परमानेंट बनाते हैं उनको पेंशन मिलता है, मरे तो उनको कंपेंसेशन मिलता है, देश की रक्षा कर सकते हैं। ऐसा स्कीम छोड़कर तुमने एक मामूली अग्निवीर स्कीम लाए और मिलिट्री को खत्म कर रहे हो एक एक करके, तो ये मोदी की सोच है, इसीलिए ये लड़ना जरूरी है, ये आपके लिए देश के लिए इम्पोर्टेंट है, इसीलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा, लड़ नहीं सकते तो बोलो, लड़ नहीं सकते तो बोलो, कम से कम बोल नहीं सकते तो लिखो, कम से कम लिखना तो करो, जर्नलिज्म में लिखो, उधर लिखो इधर लिखो लेटर लिखो, इसके खिलाफ जो जुर्म कर रहे हैं, जो अनडेमोक्रेटिक वे से चल रहे हैं वो आप बताओ, लिख नहीं सकते तो साथ दो, साथ नहीं दे सकते तो काम करने वालों को उनका मनोबल तो बढ़ाओ, यदि वो भी नहीं कर सकते तो जो कर रहे हैं उनका मनोबल मत तोड़ो, क्यों वो तुम्हारे हिस्से की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो आप लोग हम लीडरों की लड़ाई आप लड़ रहे हैं, हम बोलते भी नहीं लड़ते भी नहीं लिखते भी नहीं, फिर क्या करने वाले, भी फिर क्या कंट्रीब्यूशन है आपका पार्टी को, ये तेरा ये मेरा वो उसका ये इसका, ऐसा नहीं चलेगा पार्टी में। पार्टी में जो काम करता है उसी को हम इज्जत देंगे, हो सकता है हमसे भी गलती, हम क्या परमात्मा नहीं है कि सब कुछ ठीक होता है, होता है गलती हमसे भी, और वो भी गलती आप लोगों की बात सुन के ही होती है,
चंद लोग आके ये कान में बोलते हैं, चंद लोग आके ये कान में बोलते हैं, उस वक्त ये गलतियां भी होती है, लेकिन हम पार्टी के लिए पूरी कोशिश करते हैं सब मिल के चलने की। इसीलिए हमको आगे बढ़ना है, आगे चलना है, तुम्हारा पूरा साथ इस चुनाव में रहेगा, और ये चुनाव जीते तो मोदी और सुकड़ जाएगा, ऐसा राहुल गांधी जी ने बताया ना, पहला ऐसा रहता था, अब ऐसा कर रहा ऐसा। तो इसीलिए अगर और भी झुकाना है तो इस असेंबली चुनाव को आप जिता के दिखाओ, हम पूरे आपके साथ हैं। धन्यवाद। एक मिनट, एक मिनट, नहीं मिलना।